गाइस, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं चलो खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं बीच में काफ़ी टाइम तक वीडियोस नहीं बना पाई थी कुछ पर्सनल रीजन से। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं उस खुदा का नाम लेके जो रहमत वाला है, करम वाला है, और उम्मीद करती हूँ कि वो हमारे सबके ऊपर करम करें और मेरे ऊपर भी करम करें ताकि मेरी डेली वीडियो अच्छे से प्रॉपरली शूट होती रहे। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है एक कवाली के ऊपर जो कि है दबाकर चल दिए। तो दबाकर चल दिए, ये मुझे लग रहा है कि उस बंदे के बिहाफ पे ये कवाली है जो बंदा इस दुनिया में नहीं है, तो वो बोल रहा है कि मतलब दबाकर चल दिए, मतलब क्योंकि दबाया तो तभी जाता है जब कोई बंदा बंदे की मौत हो जाती है, तो उस टाइम पे उनको दबा दिया जाता है। तो आई थिंक ये उनके बिहाफ पे ही ये कवाली है कि मुझे दबा कर चल दिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना। और भी काफ़ी ऐसे मैंने शेर व शायरी सुनी है या और भी सॉन्ग वगैरह भी होते हैं जिसमें ये चीज़ बोली जाती है कि दबा कर चल, मतलब पहले तो मुझे पूछते नहीं थे, समथिंग कुछ कुछ होता है। जैसे ये एक लाइन है, मैंने किसी का शेर सुना था, वो थी उसकी सारी लाइंस तो मुझे याद नहीं है, बट उसकी दो लाइंस हैं, बट उसकी टू लाइंस हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। वो ऐसे थी कि जब तो मैं ज़िंदा था कभी पलट कर नहीं देखते थे, अब जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मेरा कफन उठा उठा के चेहरा देख रहे हो। तो ऐसे ही कुछ वो लाइंस थी और बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक ये दबा के चल दिए भी कुछ उसी बंदे ने, मतलब उसी बंदे के बिहाफ पे ये कवाली है कि मतलब जब तो मैं ज़िंदा था आप लोगों ने मुझे पूछा नहीं, या अभी भी मुझे दबा कर जा रहे हो, या मुझे बहुत पूछते थे और मुझे दबा कर चल दिए यूं ही बस। तो सुनते हैं इस पूरी कवाली को, सुनते हैं तभी हमें डिटेल में पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गैर को लेकर मैंने कभी कहा रात के वक्त मैं भी ये साथ रकीब को लिए कभी कहा कहा न किसी से तेरे फसाने को, तवज्जो। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को। न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, जमाने को
कहा न किसी से, तेरे फसाने को न जाने कैसे खबर हो गई। दूसरे शेर में रंगे अवध पूरा नुमाया है, तवज्जो जाओगे। कहो तो आग सजा लूं, कहो तो आग सजा लूं, कहो तो आग सजा लूं भाई आने को, आग सजा लूं भाई है गैर की महफिल में तुम न जाओगे। कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने तवज्जो। बाहर जा चुके छेड़ आग लगा दूंगा, छेड़ आग लगा दूंगा, छेड़ आग लगा दूंगा। अब इसके बाप, अब इसके बाप तुम्हारा भी नाम आएगा, अब इसके बाप तुम्हारा भी नाम आएगा। जो हुक्म हो तो यही, जो हुक्म हो तो यही, जो हुक्म हो तो यही, जो हुक्म बनाए भी नाम आएगा, जो हुक्म हो तो यही रोक लूं फसाने को। साहिबा ने जाने कलाम उरूस गजल सलाम।
देर में देखो, जरा सी देर में देखो, क्या हो गया जमाने बड़ी नमाज जनाजे की मेरी गैरों ने, बड़ी नमाज जनाजे की मेरी गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करके दबाग मरने वाला कब्रों में क्या चैन पाए वक्त दफन, मरने वाला कब्रों में क्या चैन पाए वक्त दफन, मौत ने दुनिया से दोनों रुख दिखाए वक्त दफन, मौत ने दुनिया से दोनों रुख दिखाए वक्त दफन, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दफन, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे क्या दबा के आदमी। अभी अभी मट्टी की मूरत मैंने पढ़ा था, सुन लीजिए दूसरा रूप। आदमी आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहाँ, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान, खून का गारा बना और ईंट जिसमें हड्डियाँ, खून का गारा बना और ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आत्मा, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, ये इमारत टूट के फिर खाक में मिल जाएगी, ये इमारत टूट के फिर खाक में मिल जाएगी, ये जो कुछ देखता है तू फरेब ख्वाब हस्ती है, ये जो कुछ देखता है तू फरेब ख्वाब हस्ती है, तखय्युल के करश में है बुलंदी है न पस्ती है, तखय्युल के करश में है बुलंदी है न पस्ती है, अजब दुनियाए हैरत आलम गोरे गरीबा है, अजब दुनियाए हैरत आलम गोरे गरीबा है, के वीराने का वीराना है और बस्ती की बस्ती है, के वीराने का वीराना है और बस्ती की बस्ती है, कोई हम है कभी जो रात दिन फूलों में फूलते थे, कोई हम है कभी जो रात दिन फूलों में फूलते थे, कोई हम है कि तुर्बत चार फूलों को तरसती है दबाग। किसी के मुंह से न निकला हमारे दफन के वक्त, किसी के मुंह से न निकला हमारे दफन के वक्त, के इन पे खाक न डालो ये है नहाए हुए दबाग। I'm not the one who's running away.
अरे नहीं 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 बस है इंसान अजीब है नहीं नहीं बस है बहुत ही अच्छी कवाली है ये। और जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि मतलब शायद ये किसी ऐसे शख्स के लिए कवाली है, मींस ऐसे शख्स के भी हाथ पे कवाली है जिसको दबा दिया गया है, मतलब उसका इंतकाल हो गया और उसको दबा दिया है, उसके बाद में उसके वो वर्ड हैं। तो इसके जो लास्ट वाली लाइन्स थी वो वही थी कि वो बोल रहे कि मतलब मुझे दबा दिया और आप चल पड़े, मतलब ना दुआ ना सलाम कुछ भी नहीं। मतलब ये होता है कि जब इंसान इस दुनिया में नहीं रहता तो उसकी जो लास्ट में क्या होता है, उसके जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो सब करके कोई मुड़के भी नहीं देखता उस इंसान को, चाहे कोई उसका कितना भी अजीज़ क्यों ना हो, माँ बाप, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, जो भी होंगे उनके, तो वो लोग कितने दिन तक अफसोस मना लेंगे। क्योंकि ज़िंदगी तो किसी की नहीं रुकती किसी के जाने के बाद में, सब काम सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे पहले चलता था। हाँ, इंसान थोड़े दिनों तक अफसोस जरूर मनाता है लेकिन उसके बाद में सबकी लाइफ एक नॉर्मल रूटीन में आ जाती है। कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं या घर में कोई फंक्शन हो, उस टाइम पे जरूर एक बार बंदा उनको याद कर लेता है, लेकिन लाइफ किसी की नहीं रुकती। तो इसीलिए होता है कि अपनी ज़िंदगी में जीते जी जितनी नेकियाँ कर सको कर लो, क्योंकि आपके साथ तो कुछ नहीं जाएगा, किसी का प्यार, किसी का मोहब्बत कुछ नहीं, और आपके जाने के बाद सब आपको भूल भी जाएंगे। जैसे कि इस कवाली में भी एक लाइन आई थी कि मेरे जनाजे की नमाज़ गैरों ने पढ़ी और जो मेरे अपने थे वो तो बस वजू करते रहे। तो बहुत ही अच्छी लाइन थी और ये सच्चाई है कि ऐसा होता है कि जो और भी लोग गए होते हैं जनाजे पे वो सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, और आई गेस कि मौलवी पढ़ते हैं जो जनाजे की नमाज़ होती है। और मतलब हकीकत है ये लाइन की। और इसके बाद ये था कि जब मेरी कब्र पे लोगों ने मिट्टी डाली तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि खाक मत डालो इन पे, ये तो नहाए हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट रिचुअल में पहले इंसान को नहलाया जाता है, उसके बाद में उसको दफन किया जाता है। तो मतलब कितनी टचिंग लाइन्स हैं ये कि हकीकत बयान की गई है कि जो हकीकत होती है इंसान के साथ में उसके मरने के बाद में, वो वाली लाइन्स हैं। कोई नहीं पूछता, इसीलिए अपने जीते जी इस ज़िंदगी में जितनी नेकियां हो सकती हैं, जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो कर लेने चाहिए हमें, बिकॉज़ हमारे साथ कुछ नहीं जाता। और तो इस कवाली के बारे में क्या ही बोले, बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं, सारी लाइन्स बहुत खूबसूरत हैं। दबा के चल दिए आपने और मुड़के भी नहीं देखा, सलाम तक नहीं किया, जो कि हकीकत होती है, कौन ही किसी को देखता है। और हाँ, एक और लाइन थी इसमें कि जीते जी तो मुझे फूलों में तोलते थे लेकिन अब मुझे चार फूल भी नसीब नहीं होते हैं, ऐसे करके एक लाइन आई थी बीच में। तो जीते जी होता है ना, हम लोग कितना पैम्पर करते हैं, कितना प्यार करते हैं किसी भी शख्स को जो हमारे बहुत क्लोज होता है, लेकिन उसके जाने के बाद में क्या कोई शख्स उसकी कब्र पे डेली जाके चार फूल भी चढ़ा के आता होगा? नहीं। इनिशियली सब लोग जाते होंगे, जाके कब्र पे बैठते होंगे, मिस करते होंगे, फ्लावर्स भी वहाँ पे वो रख देते होंगे, लेकिन कब तक? ताहा उम्र तो नहीं करते होंगे, थोड़े टाइम तक करते होंगे, उसके बाद में वो लोग खुद अपनी लाइफ में बिजी हो जाते होंगे कि जॉब करनी है, बाकी और बहुत सारे काम हैं, तो किसके पास इतना टाइम है कि जाके आपकी कब्र पे बैठे। तो इस दुनिया से आप कुछ नहीं लेकर जाओगे, इस दुनिया में बस आप अपनी अच्छी यादें छोड़कर जाओगे। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो हर इंसान आपको याद रख लेगा, अदरवाइज़ कोई आपको याद रखना भी पसंद नहीं करेगा। अगर आपने अपना वो जो करेक्टर है जीते जी अच्छा नहीं बना के रखा, किसी के लिए आपके दिल में सिंपथी नहीं थी, आप किसी को हेल्प नहीं करते थे, तो फिर तो कौन ही याद करेगा। तो हमेशा अपनी लाइफ में ये टारगेट रखना चाहिए हम लोगों को कि एटलीस्ट किसी ना किसी की हेल्प करें,
एक दिन में ज्यादा नहीं तो कम से कम एक कोई अच्छा काम कर सके, कोई एक नेकी कमा सके। ये सब बातें बहुत ऐसे लगते हैं ना कि बहुत फिल्मी सी बातें हैं, लेकिन ये सच है, हम लोगों से नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल हो, किसी एक भूखे इंसान को खाना खिला दो, किसी एक जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको ही आप एक रोटी डाल दो, या कुछ भी मतलब ऐसा कर दो कि आपको खुद खुशी मिलेगी अगर आप किसी गरीब की हेल्प करते हो ना। हम लोग कभी भी मार्केट जाते हैं या कुछ खाने भी जाते हैं तो हम लोग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ ऐसे ही मतलब विद इन हाफ एन आवर हम लोग स्पेंड करके आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई मांगने वाला हमारे पास आ जाता है तो हमसे 10 रुपये भी नहीं निकलते हैं उसको देने के लिए। तो हम लोगों को एटलीस्ट ऐसा करना चाहिए कि चलो अगर हम उसे पैसा नहीं देना चाहते, बिकॉज ये भी बोलते हैं, गवर्नमेंट भी बोलती है कि पैसा नहीं दो, बिकॉज इससे उन लोगों को और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है कि हम बस भीख ही मांगते रहें, हम लोग क्यों कुछ काम करें, तो एटलीस्ट उन्हें खाना ही दे दो। मतलब करना चाहिए यार, ताकि एटलीस्ट हमारे जाने के बाद में कोई तो ऐसा शख्स हो जो हमें याद कर सके। बहुत ही खूबसूरत कवाली है और बहुत ही खूबसूरत लाइन्स है इसकी, और आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय।